नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है टर्की की तरफ से। दोस्तों, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संडे को टर्किश नेशनल वारशिप प्रोग्राम के दौरान एक घोषणा की, अनाउंसमेंट की कि वो चार वारशिप बनाएंगे। चार वारशिप में से दो टर्की में बनेंगे, दो पाकिस्तान में बनेंगे और ये चारों वारशिप पाकिस्तान के लिए बनेंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली खबर है हमारे देश के लिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शायद टर्की ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में हो, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पर हो। टर्की और मलेशिया और थोड़ा बहुत चाइना भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों की तिकड़ी भारत के लिए थोड़ी खतरा पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है भारत को थोड़ा और सचेत होकर थोड़ा गंभीर कदम उठाने चाहिए तीनों कंट्री को टैकल करने के लिए। दोस्तों अब आइए चलते खबर पर। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच 2018 में जुलाई के महीने में चार वारशिप पर्वत बनाने का डील साइन हुआ था। उसी डील के तहत वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अनाउंस किया है कि चार वारशिप बनाएंगे, जो दो टर्की में बनेंगे और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत दो पाकिस्तान में बनेंगे। दोस्तों, ये चारों वारशिप करवट मिलने के बाद पाकिस्तान की जो नौसेना है वो थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानते हैं लोग, क्योंकि टर्की इतना कैपेबल है कि वो इतने बढ़िया बढ़िया वारशिप बनाकर बहुत कंट्री को बेचा है और बेचने की तैयारी में पाकिस्तान को भी है। तो मतलब उसकी जो वारशिप होती है काफ़ी अच्छी होती है और बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि उन्हें न तो किसी भी रडार से पकड़ सकते हैं, न ही उन पे कुछ तरीके का अटैक कर सकते हैं। मतलब वो इतनी कैपेबल वारशिप बनाता है टर्की। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी चिंता है टर्की के लिए कि इंडिया टर्की के साथ में क्या करेगा। टर्की को अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया टर्की को छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, टर्की अब बोलते हैं ना, पानी सर के ऊपर चला गया है, वैसा कुछ करने जा रहा है। टर्की को समझाने के बावजूद भी वो समझने को तैयार नहीं। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने देश की पॉलिसी पर कि जरूर टर्की का कुछ न कुछ इलाज निकाल लिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।